रायपुर शहर में स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं। प्राइवेट स्कूल के संचालक पूरा पैसा पालकों से वसूल कर अनफिट बसें सड़कों पर दौड़ा रहे थे। इन्हीं बसों में बच्चों को स्कूल में लाने ले जाने का काम भी किया जा रहा था। तो वहीं पुलिस की जांच में अनफिट बसें पकड़ी गई। 12 स्कूल संचालकों पर जुर्माने की कार्यवाही भी की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि अनफिट बसों में बताए गए बदलाव करने के बाद दोबारा जांच की जाएगी। तो वहीं रायपुर की पुलिस ने स्कूल मालिकों को नोटिस भेजकर बसों की जांच के लिए पुलिस ग्राउंड में शिविर लगाया था। आपको बता दें कि स्कूल की बसों में काम करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर का हेल्थ चेकअप भी किया गया। तो वहीं 3 जुलाई को स्कूल बस जांच शिविर का आयोजन फिर से होगा। अगर दोबारा संस्थान बसों को जांच के लिए नहीं भेजते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इस अभियान का मकसद बसों की खराबी की वजह से होने वाले सड़क हादसों को रोकना है ताकि स्टूडेंट सेफ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।